हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ये क्लास 7th to 10th का कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी मैंने करा दी है, तो अब क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं हम। आप देखिए, क्वाड का क्या मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल किससे मिलके बनता है, क्वाड प्लस में लेटरल से। तो क्वैड का मतलब क्या होता है, फोर, और लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। मतलब वो फिगर जो हमारी चार साइड से, चारों तरफ से एनक्लोज्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये कोई भी फिगर हमारा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं इसमें ट्रेपेजियम। क्या होती है ट्रेपेजियम, क्या होती है ट्रेपेजियम? ये आपके पास एक पेयर दिया हुआ है पैरेलल लाइन का, ये हमारा फिगर होता है ट्रेपेजियम का। ये साइड इस साइड के बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन ये साइड इस साइड के बिल्कुल पैरेलल है। इक्वल में तो लेंथ दोनों की सेम होती है। ये हमारी नॉन पैरेलल साइड्स है। कैसे है, देखो, जब आप इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हो तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या कर जाती है, मीट कर जाती है, और पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती है। तो ये हमारा है ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी इसमें किसके पैरेलल है, सी डी के, बट नॉट इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस, सॉरी, नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी है इसमें, नॉन पैरेलल लाइंस ए डी एंड बी सी, ये हमारी क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस है ए डी एंड बी सी। इनकी लेंथ और इसकी हाइट कैसे आप निकालोगे, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइट आती है, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइट आती है, ठीक है। ये हमारी इनकी इसकी हाइट हो जाती है ट्रेपेजियम की। सेकंड हमारा आता है पैरेललोग्राम। सेकंड हमने पास आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये कैसे निकलता है, अब आपके पास कोई भी एक फिगर दिया हुआ होगा, आप प्लीज अपना फिगर अच्छे से बनाना, मेरी थोड़ी ज्योमेट्री ऐसी है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम के केस में ये होता है कि ए बी, ये बहुत इस टाइप से भी बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लिख के, इस टाइप से भी आप बना सकते हो इसको, थोड़ा तिरछा डायलेटेड करके। तो अब इसमें हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पैरेलल लाइंस इसमें बिल्कुल पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो जब हम ए बी हैं वो पैरेलल किसके हैं, सी डी के। तो इसमें ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। दूसरा, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। सेकेंड, इसमें जो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है, और ए डी की लेंथ किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके ये जो ए सी डायगनल है, आप ए सी ड्रॉ करो या बी डी ड्रॉ करो, ये डायगनल जो हमारे होंगे, ये डायगनल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेंगे इसमें डायगनल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये आपने पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं 6th chapter में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें इक्वल होता है। अपोजिट एंगल ये देखो, इस एंगल के सामने ये बन गया, बी के सामने डी है, और ए के सामने, कंप्लीट ए के सामने इसमें सी है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसमें, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होते हैं,
एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है। कैसे अपोजिट एंगल इसमें इक्वल, आप देखो पैरेलल लाइंस है ए, मैं प्रूफ कर रही हूं कि एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है। आप देखो कि पैरेलल लाइंस है सी डी और ए बी, तो ए डी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, तो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का सम कितने डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो सी डी भी क्या कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है ए डी और बी सी के लिए, तो एंगल सी प्लस एंगल डी उनका सम भी कितने डिग्री है, 180 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से आप देखो, फर्स्ट एंड सेकंड से राइट हैंड साइड दोनों की 180 180 है, एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी, ठीक है, एंगल डी से एंगल डी कैसे, तो एंगल ए प्लस सॉरी एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये दोनों एंगल्स भी कहेंगे मैडम इक्वल होंगे, नहीं ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, बच्चे गलती कर रहे हैं, ये एंगल्स का सम दोनों का 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल सम। एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी 180 डिग्री है, ऐसे ऐसे करके 180 डिग्री हमारा आएगा, ठीक है। और एंगल ए है वो सी के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है, इस पे इसके डायगोनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स आपके ड्रॉ होते हैं, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स आपके ड्रॉ होते हैं एसी एंड बीटी, ये डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, क्या मतलब है OA है वो किसके इक्वल होगा OC के, OB किसके इक्वल होगा OD के, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है। अब मैं आपसे पूछूं क्या पैरेललोग्राम में डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, जो ये एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, ये एंगल है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ 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 बन जाएगा ये सारा, अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पे, अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से ही आगे हमारी ट्रायंगल्स ड्रॉ होती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे पास टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आया है, ये हमारे पास कोई भी एक फिगर है ए बी सी डी, ये हमारी क्या है रेक्टेंगल है, ए बी सी डी हमारी क्या है रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल पे क्या होता है, जो वर्टेक्स एंगल होते हैं जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स एंगल है वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ही होते हैं, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकती है, ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा, ए बी है वो सी डी के इक्वल भी है और ए बी है
वो पैरलर भी है सीडी के। सेकेंडली बीसी है वो एडी के इक्वल भी है और बीसी एडी के पैरलर भी है। ये हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशन थी कि टू पेयर्स ऑफ पैरलर लाइंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो वर्टेक्स एंगल है, एंगल ए बी सी और डी, ऑल एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। डायगनल्स इसके, अब इसके पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल इन लेंथ नहीं होते हैं, इसके डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो डायगनल्स हैं, डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। एसी है वो किसके इक्वल है? बीटी के, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके भी डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका? ओए है वो ओसी के इक्वल है, ओबी है वो ओडी के इक्वल है, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगल की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज थी। इसमें एंगल कैसे काम करते हैं, कैसे रेक्टेंगल के एंगल होते हैं, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उनके हिसाब से इन कॉन्सेप्ट को करते चलेंगे ताकि पजल ना हो। रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारे पास बचता है स्क्वायर एंड रोम्बस। चलिए करते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस को। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। वर्टेक्स के जो एंगल होते हैं, एंगल ए बी सी और डी, ऑल 90 डिग्री के होते हैं। वर्टेक्स एंगल परपेंडिकुलर होती हैं ये, तो ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। डायगनल है इक्वल इन लेंथ होते हैं, एसी बी डी, डायगनल्स इक्वल इन लेंथ। क्या मतलब है? एसी है वो बी डी के इक्वल होगा वो ही, और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके केस में डायगनल्स हर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ये वर्टेक्स एंगल को भी डिवाइड करता है। ये हमारा जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको करेंगे कैसे ये वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करता है, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं डायगनल ईच अदर। अब हम मूव करते हैं रोम्बस पे। ए बी सी डी आपके पास कोई रोम्बस है, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी है सी डी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, डायगनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा, डायगनल्स बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? ओबी है वो ओडी के इक्वल है, ओए है वो ओसी के इक्वल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं? अगर वो इक्वल इन लेंथ होंगे तो सारे जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं आ जाएंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या रहेगा?
तो इसीलिए इसके जो वर्टेक्स एंगल है, जो डायगोनल्स है रोम्बस के, वो इक्वल इन लेंथ नहीं होते हैं, और ये वर्टेक्स के जो एंगल है ये भी 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अगर रोम्बस में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है। अब क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है? सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में जो हमारा वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में हमारा वर्टेक्स एंगल जो ये है ये 90 डिग्री के होते हैं। पैरेलल और इक्वल तो है, लेकिन पैरेललोग्राम में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते। इसलिए सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकती। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे आता है कि क्या स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? तो स्क्वायर तो रोम्बस हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। रोम्बस, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रोम्बस के जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसलिए अगर 90 डिग्री के हो गए तो रोम्बस हमारी स्क्वायर बन जाती है। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको कराई है। अभी मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगी क्लास वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।